नमस्ते दोस्तों, मोनालिसा स्कूल। आज हम काजू के पेड़ के बारे में एक क्लास देना चाहता हूँ। देख लीजिए, एक काजू का वो नट है, वह हम एक दोस्तों हम बहुत कुछ सामान प्लास्टिक का छोड़ देता है। वो दूध खरीदने वाला मिल्मा कवर है, वह रोज रसोई घर में मेहरारू लोग फेंक देते हैं। वह फेंकने की नहीं है, वह उसी में हम रिसाइकल करके दूसरा हमारा वातावरण के लिए अच्छा बना सकता है। कैसे बनाएंगे? देख लीजिए, काजू का वो नट बीज उसमें डाल दिया जाएगा और उसके बाद 6 महीने के बाद पौध जम जाएगा, इसी तरह बड़ा होता है। और उसके बाद वह थोड़ा पानी में हमको भीगना चाहता है, तो 3-4 महीने के बाद यह काजू का पौधा इसी तरह बड़ा हो जाता है। उसके बाद वह हम ज़मीन में लगा सकता है। तो उसके पहले मैं यह नहीं बताया कि इसी में मिट्टी डालता है, तो इतना तक मिट्टी डालना है और काजू का बीज उसी में डाल देना। उसके बाद यह जम जाएगा, रोज पानी बरसना, मतलब पानी इसी में खींचना है, तो उसके बाद यह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 1 साल के बाद यह पौधा इसी तरह बहुत बड़ा होता है, तो उसके बाद वह अपने आप खुद ही वो बड़ा हो जाएगा। और दूसरे साल के बाद वह देख लीजिए किसी तरह बड़ा हो जाता है। तो आपका हम निमंत्रण देते हैं, यह प्रकृति की इच्छा अनुसार हम जो कुछ हो बीज हम ज़मीन में उत्पादन के लिए प्रोडक्शन के लिए वह हम ज़मीन में डाल देता है, तो वह जम जाता है। तो करीबन सब लोग मानते हैं कि हमारा ज़िंदगी का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं है, जो कुछ हो हमारा तरफ से जितना बीज है पौधे है वह ज़मीन में डाल के रिप्रोडक्शन करना, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। तो राज के लिए यह इसके लिए बहुत कुछ ईमानदारी से कायदे के साथ हम बातें कर सकते हैं। और उसके बाद जो कुछ हो जो हमारे पूरे राज को भी इनाम के जैसा दिया जाता है। तो आज का जो कोरोना का इसी वातावरण में बहुत कुछ लोग घर में बैठकर बहुत आलसी से टाइम बिताया जाता है, लेकिन वो टाइम में इसी तरह पौधे लगाएगा, इसे जमा करेगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए हमारा इस निमंत्रण है, आप लोग ये सब इसी काम में आ जाइए। किसान का काम, जैसे ही भारत में 70% आदमी लोग किसान लोग हैं, लेकिन यूके में या अमेरिका में 20% से कम है किसान लोग, लेकिन वे लोग बहुत कुछ बाकी लोगों को खिलाया जाता है। तो वे लोग उनकी मेहनत बहुत बढ़िया है, जो 80% घर में बैठे है आलसी पढ़कर, लेकिन उसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आज का क्लास हम इसी तरह काजू के बारे में हम दे दिया है। काजू ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जमा किया जाएगा, तो बहुत बड़ा पेड़ आप देख लीजिए, इधर एक बहुत बड़ा पेड़ देख लीजिए, वो 20-25 साल तो हो गया, लेकिन इसके नीचे आपको तो मिलेगा काजू 1 कुंतल तक जमा किया जाता है। मतलब काजू का सीजन वो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल और जून तक होता है, जुलाई में कोई नहीं, सब सीजन ख़त्म हो जाता है। तो इसी के नीचे कोई मेहनत नहीं करने का, कोई ज़्यादा मेहनत और मजदूरी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप कर सकते हैं। थोड़ा 20% ज़मीन है, आप इसी तरह बढ़ा दिया जाता है, आपको तो अच्छा होता है, प्रकृति के लिए वातावरण के लिए बहुत बढ़िया होता है,
और आपके लिए जो राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए इसी कोविड स्थिति में आप अपने तरफ से भेंट कर दिया जाता है, इसलिए आप इसी काजू के लिए और एक जैसे प्रचारण जैसे हम इसी मोनालिसा स्कूल में से आप लोगों को निमंत्रण करते हैं, आप लोगों को इसी स्थिति में आने के लिए हम इनवाइट करते हैं, तो धन्यवाद आपको। बस इसी दिन में